نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سليمان عليه السلام का वाक्य हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुबहाना तआला ने बड़ी डिटेल में सूरत कमल के अंदर इसको तफसीलन बताया है। आयत नंबर 20। वतफक्कद, और उसने जायजा लिया अफवीरा परिंदों का। फा तो कौला, कहा फिर कहा माँ क्या है ली मुझे। ला आरो, मैं नहीं देखता। अलहुदहुद, हुदहुद को। अम या काना है वो मिनल गाइबीन, गायब होने वालों में से। अब यह है कि सुलेमान अलैह सलाम की बड़ी फौजें थी, ये तो आपको पता है, लेकिन इससे अंदाजा होता है कि उनकी फौजें बड़ी मुनज्जम फौजें थी। तरतीब और बड़े से बड़े और छोटे छोटे मामलात की ज्यादा तौर पर निगरानी वो खुद किया करते थे। हत्ता कि परिंदों में से एक परिंदा खुद खुद, और वो भी कोई स्पेसिफिक खुद खुद। और जब वो नहीं था तो फोन पता चल गया कि वो है क्या, कहाँ पे। जो लीडर होता है ना, उसको पता होता है कि कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा। छुप नहीं सकती अच्छे लीडर के साथ। तो अब ऐसे ही सहाबा भी थे, खुलफाए राशिदीन भी थी। ये छोटे से छोटे मामलात की वो खुद ब खुद जो है मामलात देखते। अमीर उलमोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह के हालात कुछ ज्यादा ऐसे हैं कि इसी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी हुकूमत की थी। तो सुलेमान अलैहि सलाम को भी पता चल गया, कहा मुझे नजर नहीं आ रहा खुद खुद, कहीं वो गायब होने वालों में से तो नहीं। इससे पता चलता है कि कुछ और लोग भी गायब थे। अब वो बता के गायब थे, इजाजत से गायब थे या बगैर इजाजत के, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन ये है कि वो गायब थे, तो खुद खुद भी उनके साथ गायब था। इस चीज से एक बात ही पता चलती है कि नबी आलिमुल गायब नहीं होते। होते तो उनको पता चल जाता फौरन ही खुद खुद कहाँ है, लेकिन नहीं चला। अक्सर मुफस्सिरीन इसकी तावील इस तरह से करते हैं कि खुद खुद को सलमान इस्लाम इसलिए तलब कर रहे थे कि वो जमीन के नीचे पानी देख लेता था, मगर ये बात बेदलील है। ऐसी हकीकत कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहि सलाम को खुद इतनी ज्यादा ताकत दी थी, हर हर इंसान और हर महलूक को पहुंच थी जिन्नों से। वो तो आसानी से पानी का पता करवा सकते थे, बात पानी की नहीं थी। वैसे ही उन्होंने जैसे लश्कर था और उसमें गंदा आया था, उनके उनके लश्कर तो सारे लश्कर थे ना, तो एक नहीं था तो पूछ लिया ये किधर है। अब क्या कहते हैं, लअउद्दिबन्नहु हो, अलबत्ता मैं जरूर सजा दूंगा उसे, आजाब अजाब शदीदन सख्त। औ या लअद्बहन्नहु, मैं इसको जरूर जिबा कर दूंगा। औ या लता लयतीयन्नी, या अलबत्ता वो लाए मेरे पास बिसुल्तान मुबीन, कोई दलील कोई वाज दलील। अब ये है कि यहाँ बात समझने वाली है, बात ये समझने वाली है कि खुद खुद का इजाजत के बगैर गायब होना एक नाफरमानी थी। तो जो लीडर होता है ना, वो असूल परस्त होता। जैसे आप को कहा गया जी अगर आपने ये लेट किया या छुट्टी की तो आप पर फाइनल पनिशमेंट आ, और वो होगी। अगर हम असूल परस्त नहीं होंगे,
अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो हम में से कोई भी आए कोई भी जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने वो देखा है कि जिस दिन से ये असूल बनाया है और क्लास की क्वालिटी बेहतर हो, तो हर बादशाह जो अच्छा बादशाह होता है, जिसने बेहतरीन हुकूमत चलानी होती है, वो अपने सोलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा या तो वो सही की बात लाएगा तो या फिर क्या होगा कि उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो पता ये चलता है कि सुल्तान की बिला उजर नाफरमानी पर ताजीर होनी चाहिए, यानी अगर इजाजत बगैर कोई मुजाहिद अपने लश्कर से अलग हो जाता है, गायब होता है, और फिर उसका गायब होना बार बार होता है, इसकी वजह से लश्कर पर असरअंदाजी होती है और इसके तर्ज अमल से अमीर के अहकाम की कदर कीमत जो है वो कम हो जाती है, बाकी नहीं रहती, तो इसका जुर्म बहुत बड़ा बन जाता है। इस तरह तो इस मौके को ऐसे देखा जाएगा कि जिस से वो गायब हुआ है, अगर उसकी जिम्मेदारी ऐसी है कि इसके गायब होने या सो जाने से पूरे लश्कर की तबाही का खतरा है, तो ऐसी गुनाह माफ करने का मतलब ये है कि इंसान अपने लश्कर को आप ही बर्बाद करे। ठीक है, अगर हम बार बार मिस्टेक्स को माफ करेंगे तो यार ठीक है, इट्स ओके, आप थी ये मजबूरी थी, ओके 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 क्या थे, जैसे हम करते थे, तो क्या होगा, क्वालिटी मैटर, क्वालिटी किस प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन सुलेमान अलैहि सलाम ने एक साथ उनको कहा भी कि अगर आप कोई एक्सक्यूज रखते हैं तो उसकी दलील भी मुझे चाहिए वाजी। अब क्या हुआ, तमाका था तो वो ठहरा गैर बाइडिन थोड़ी देर, फकाला तो कहा खुद खुद ने अहतु अहाता किया मैंने, यानी वो वापिस आ गया और वापिस कुछ देर ही गुजरी थी। वापिस आने के बाद उसके आते ही उसे पता था कि मुझे पनिशमेंट होगी, क्योंकि सारी बात है हाथी का पता होता, जैसे कुछ पेरेंट्स बड़े सख्त होते हैं तो बच्चे को पता होता है मुझे इस चीज पे डांट पड़ेगी, तो खुद को पता था। उसने आते ही फौरन से अपने ना होने का उजर बता दिया, यानी उसकी रीजन बता कहा कि मैं इसलिए थोड़ी देर में हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसको आप भी नहीं जानते। सबसे पहले तो जस्टिस कर कहा तो अहाता किया मैंने भी मालम तुम, उसका जो नहीं आपने अहाता किया भी जिसका वजह था, मैं लाया हूँ आपके पास मिन सबा इन सबा से बिना बाइन एक खबर यकीन यकीन। ठीक है, तो तजस्सुस पैदा किया, कहा मैं इस बात की मुकम्मल मालूमात हासिल कर लिया जिसकी मुकम्मल मालूमात आपके पास है, और ये तो यकीनी खबर लगा। इससे कुछ बातें पता चलती, सुलेमान अलैहि सलाम को मलकी सभा के पूरे हालात मालूम नहीं थे, ये नहीं था कि वो इलाकों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन होता है ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन की कमी थी, या बाकी बाकी मुल्कों में आप मशगूल थे तो इस तरफ ध्यान नहीं गया, तवज्जो नहीं दे सके, तो खुद खुद जो चश्मदीद गवाह था हालात बयान किए, और उससे उससे पहले सुलेमान सलाम को इतना पता नहीं चल सका। खुद खुद ने भी यहाँ पे यही कहा कि सुलेमान सलाम को नॉलेज ही नहीं था, कहा कि उस चीज का अहाता नहीं वो कर सके जिसका मैं खुद अपनी आंख से देखिए। तो यहाँ पे एक बात पता चलती है कि हालांकि सुलेमान अलैहि सलाम एक अजीम पैगंबर थे कि अल्लाह ताला ने हमको जो दिल दिया थोड़ा ऐसा इल्म जो किसी के पास था, इनके मुकाबले में खुद खुद का इल्म बहुत कम था, कोई उसकी हैसियत है ही नहीं थी,
इसके बावजूद खुद खुद ने दावे से कहा कि मैंने इस बात का अहाता किया जिसका आपने पता नहीं किया। तो सुलेमान खान उससे नाराज नहीं थी, ठीक है, मैं इसे गुस्ताख करार दिया। इसे पता चलता है कि एक कम मर्तबा शख्स कोई ऐसी बात कहे जो इससे आली मर्तबे वाले को मालूम ना हो, तो क्या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि एक मसला था इजाजत तलब करने का, 3 दफा मांगनी चाहिए इजाजत किसी के घर में जाए, नहीं कोई ओपन करता तो वापस आ जाए। उमर रजी अल्लाह ने किसके बारे में नॉलेज नहीं था, अब उसे खुद ही को मालूम था। तो अब क्या हुआ कि क्या उमर रजी अल्लाह को इल्म नहीं था तो उसे खुदरी की बात नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी, उनका तकवा अपनी जगह पे, समझ आई? तो हाँ, इसलिए अगर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में हमें इल्म हो कि इसका नॉलेज मेरे नॉलेज से कम है, ठीक है, तो लेकिन नॉलेज हकीकी है, उसका इनकार नहीं होगा, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके और भी दलाइल हैं जो हमें मिल जाते हैं, जिसको हम देखते हैं। जैसा कि जनाबत के लिए तयम्मुम का मसला, अमार बिन यासू को याद था, तो उमर और इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु के जहन में नहीं रहा, तो वो जुम्बी के लिए तयम्मुम के कायल नहीं थे। फिर इसी तरह वो दरख्त जो एक मुस्लिम की मानी है, मिसाल दी गई, अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लम की मस्जिद के दूसरे हाजिरीन के जहन में ना आया, इब्ने उमर के जहन में आ गया। इस तरह से ये बुहारी की एक और हदीस कि जिसमें कहा गया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों को कत्ल करूं ताकि वो गवाही दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, नमाज कायम करे और ज़कात दे। तो ये हदीस इब्ने उमर को मालूम थी, अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हु को मालूम नहीं थी। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इस किस्से में ये दलील है कि सुन्नत बाज़ुकात अकाबिर सहाबा से भी मख्फी रह जाती है और दूसरे सहाबा उस पर यानी गवाह होते हैं, उसके बारे में जानते होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए कि क्या अकाबिर सहाबा यानी बड़े बड़े सहाबा को पता नहीं था, लेकिन छोटे छोटे जो मतलब उस उनका लेवल होता है ना इल्म के अतबार से, तो उनको पता चल गया, तो क्या उस हदीस को रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद खुद की बात सुनी थी। तो हम भी अगर देखते हैं कि एक सहाबी दूसरा मतलब क्वालिटी के अतबार से, ट्रैक्टर, बाकी सब चीजें जो हदीस के अतबार से देखी जाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे जो बड़े सहाबा थे उनको हदीसों का नहीं पता था। अगर तो ऐसे होने लगे तो फिर तो बहुत सारी हदीसें हम मान नहीं सकते। इसलिए जब कोई उनका अमल सुन्नत के खिलाफ मौजूद हो तो ये नहीं कहा जाएगा कि सुन्नत फलां से कैसे माफी रहेगी। इंसान है ना, भूल जाते हैं, सारी बातें हमें याद नहीं रह सकती। हो सकता है आप बड़ी बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, आपको कुछ बातें याद नहीं आ रही, आप कहें नहीं, ये बात तो कोई नहीं थी, दूसरा भी कोई थी, हालांकि वो भी सच बोल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जी बड़े बड़े साहबा को पता नहीं, छोटों को पता है? हम नहीं मानेंगे ऐसा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये हमें इस आयत से इसकी दलील हमें मिल जाती है। तो जब आयात सभा के बारे में आयात नाजुल हुई ना, एक आदमी ने कहला कि ये सभा क्या है, कोई जमीन है या कोई औरत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना वो जमीन है ना वो औरत है, बल्कि
अरब का एक आदमी था जिसके यहाँ 10 बच्चे पैदा हुए। उनमें से 6 जो है वो यमन में चले गए और 4 शाम को चले गए। जो लोग शाम में गए थे उनका नाम लिया गया लखमुन, जुजामुन, गस्सानुन, आमिला। और जो यमन में गए थे उनका भी नाम लिया, वो कौन कौन से थे? अज़दू, अशआरियून, खमीस और किंदा और बाकी 2 के भी नाम लिए। तो उसने पूछा अल्लाह के नबी, अनमार उनसे क्या मुराद है? अनमार भी था ना? फरमाया वही जिसमें खसाम और बजील है। ठीक है, बाद में इस कौम का और यमन के उस शहर का नाम भी सबा पड़ गया, जैसा कि शायद में मौजूद है। तो ये शहर यमन के मौजूदा दारुल हकूमत सना से तकरीबन 25 मील के फासले पर वाक़ है। तो वहां पे एक औरत हुकूमत कर रही थी उस इलाके का नाम। तो इस वजह से अब उस औरत का नाम किसी ने बल्कीस कहा है, लेकिन हमें सही अहादीस से इसका इल्म नहीं, दलील नहीं है हमारे पास, इसलिए हम उसको सबा, मलके सबा कहेंगे, बल्कीस नहीं कहेंगे। क्योंकि बल्कीस के लिए हमारे जैसे जुलेहा का कोई हमारे पास ऑथेंटिक नहीं है नाम, नहीं अल्लाह तला ने शौक किया तो हमें भी नाम पिछनी बाग में चाहिए मलके सबा का। तो अब यह है कि वो उन्होंने वो बताया, कहने लगा खुद खुद कि मुझे ऐसे नॉलेज के बारे में बताया जो आपकी जिसका हाथा आप नहीं कर सकते। इससे जो नतीजे या जो असबाक हमें मिले वो तुमने सीखी। वो क्या कह रहा था? कहने लगा वजी तो का और लाया हूँ मैं आपके पास मिन सबा इन सबा से बिनाबा इन खबर यकीन यकीनी। ठीक है, सबा से मैं एक यकीनी खबर लाया। ये औरत नहीं थी सबा और ना ही ये जमीन थी, ये किसी एक इलाके का नाम पड़ गया क्योंकि सबा एक शख्स था, उसके 10 बच्चे पैदा हुए थे और मुख्तलिफ इलाकों में उसके बच्चे जाके रहने रहना शुरू हो गए। तो कुछ बच्चे एक इलाके में जाते रहे और वहां फिर सबा उनके बाद के नाम से वो जगह मशहूर हो। ओके, समझ आएगी इतनी? अब एक और चीज यहाँ पता चलती है कि सुलेमान अलैहि सलाम नबी थे लेकिन नबाउन एक खबर उनके पास नहीं थी। खुद खुद नबी नहीं था लेकिन एक खबर उसके पास, नबाउन एक खबर उसके पास थी। ये बात पता चलती है नबी के पास हर नबाउन नहीं होती और ना ही वो आलिमुल गैब होती, बल्कि उसके पास सिर्फ इतनी खबरें होती हैं जो अल्लाह तआला उन्हें बता दे और सिर्फ किसी नबा उनसे कोई शख्स नबी नहीं बन सकता। एक बात हमें पता चलती है कि एक खबर खुद खुद को पता चली तो क्या खुद खुद नबी हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब तक वही इलाही से उसे खबर ना दी जाए वो नबी नहीं होता, नबी नहीं बनता। तो आम खबरें अगर आपके पास हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई यूनिक खबर मिली है, आप इल्हाम हो गया तो आप देख रहे नबी हो, नाउज़ु बिल्ला। ऐसे ऐसे ही तो जो नबुवत के झूठे दावेदार थे उन्होंने अपना आगाज किया जैसे मिर्ज़ा कादियानी। चंद बातें पता चली खुद से ही जहन में आ गई तो हुक्म देना शुरू कर दिए लोगों को, तो मुझे इल्हाम हो रहा है। तो ये बातें हैं बारीक बारीक हमें पता होनी चाहिए कि किसी एक नबाउन से कोई नबी नहीं होता और किसी एक नबाउन के पता ना होने से ये नहीं हम कहते कि ये नबी नहीं है और इसके पास खबरें नहीं आ रही। ऐसा पॉसिबल है कि नबी के पास भी वो तमाम बातें जो अल्लाह ताला ने बताई है उसके अलावा कोई एक बात जो अल्लाह ने नहीं बताई उसको ना पता? कहने लगा खुद खुद इन्नी बेशक वजद तू पाया मैंने इमरातन एक औरत को तमलिकु वो हुक्मरानी करती है उन पर वह उतियत और वो दी गई है मिन कुल्ली शयइन हर चीज जरूरत वलहा और उसके लिए अर्शुन तख्त आजीम बहुत बड़ा। अब खुद खुद को पता था कि सुलेमान अलैहि सलाम को ये बातें बुरी लगेंगी, यानी मलका की औरत की, क्योंकि खुद खुद के लिए बात बड़े ताज्जुब की थी
कि किसी कौम की बादशाह एक औरत हो। और हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अहले फ़ारस ने कसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युफ्लिहा कौम वल्लौ अमरहु इमरातन, वो कौम कभी भी फलाह नहीं पाएगी जिन्होंने अपने मामले का वाली एक औरत को बना दिया। तो जो बादशाह या मलका या हुकूमत अगर औरत की जिम्मे लगा दी जाए तो ये अच्छी चीज नहीं, इसे मना भी किया गया। हुकूमत हाकिम औरत नहीं हो सकती। अब क्या दूसरी चीज बताई, बहुतियत में कुल्ली शई, यानी इस सल्तनत के लिए जो जो चीजें दरकरार थी। कुल का मतलब हर चीज नहीं होता, बाज़ औक़ात कुल का मतलब कसीर होता है, कल भी हमने ये पढ़ा, तो यहाँ भी कुल का मतलब कसीर है। ठीक है, हर चीज नहीं ना उसको दी गई थी, हर चीज जरूरत की हर चीज, यानी जिससे हम कहते हैं ना उसके पास इतनी आसाइशें हैं दुनिया की, हर चीज उसके पास। इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया की हर चीज, समंदर भी उसके पास है और समंदरी जानवर भी उसके पास है और समंदर के अंदर भी वो जा सकता है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब उसके पास बहुत कुछ है। तो ऐसे था कि उसके पास बहुत कुछ है और कहा वलहा अर्शुन आसीन, उसके लिए तख्त है बहुत बड़ा, यानी इससे मुराद ये भी नहीं कि वो था लंबाई में बहुत बड़ा है, चौड़ाई में बहुत बड़ा है। कई मुफस्सरीन ने लिखा है ना तख्त तख्त के बारे में, कहते हैं कि जी 80 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, और सही दलाइल हमें इसके बारे में मिलते ही नहीं। बल्कि तिबरी ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई, कहने लगे अजीम से मुराद कदरों कीमत में अजीम है, ना कि लंबा चौड़ा। ठीक है, कदरों कीमत के एतबार से बहुत ही, यानी जैसे हम कहते हैं ना ब्रांडेड, तो उसकी जगह पे अजीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि बहुत ब्रांडेड है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा वो तख्त है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमें नहीं बताएगी तो हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। फिर इसके अलावा मलका सबा के बारे में और भी बहुत सी इसराइली रवायात मौजूद हैं, जैसा कि इब्ने कसीर ने इसके मुतलिक 3 अकवाल फरमाए, कहने लगे इब्ने अबी खातिम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहि सलाम के मामले वाली जो खातून है उसके 1,000 सरदार, हर सरदार के तक 1,00,000 जंगजू थे, तो कुल उसकी तादाद कितनी हुई, 10 करोड़। एक और कौल कहते हैं मलका सबा के तख्त 12,000 सरदार थे, हर सरदार के तख्त 1,00,000 जंगजू थे, और कुल तादाद कितनी हुई, 1,20,00,000। और एक और कौल है कि जिसके तख्त कहा जाता है कि उसके पास 312 आदमी थे उसके मुशीर, और हर आदमी 10,000 पर अमीर था, कुल तादाद 31,20,000 बनती। लेकिन ये तीनों अकवाल जो है ये इनका इसराइली होना जाहिर होता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सलम ने नहीं बताया, ना ही हमें अल्लाह सुबहान तआला ने बताया, तो ये तीनों अकवाल इन पर यकीन नहीं कर सकते। और इतनी फौज तो बहुत दूर की बात है, उस वक्त जो यमन का मुल्क था या शायद पूरी दुनिया की आबादी भी 1,20,000,000,000 ना थी। ठीक है, तो इससे पहले सुलेमान अलैहि सलाम के लश्करों की तादाद भी मुफस्सरीन ने कभी कुछ बताई कभी कुछ बताई, लेकिन हम उन पर इतबार नहीं कर सकते, हमें नहीं पता वो सही है या गलत। इसराइली रवायात के बारे में ना सही कहा जा सकता है ना गलत, खामोशी अख्तियार कीजिए। ओके, इसलिए हमें कुछ नहीं पता कि उसकी अफवाज कितनी थी। उसके बाद उसके अर्श के बारे में भी हमें जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, जब मुफस्सरीन ने कुछ कुछ मुफस्सरीन ने उसके बारे में मजीद तावील की है। ये ऐसा ना हमें अर्श की लंबाई चौड़ाई का पता है, ना हमें जंगों के अंदर यानी उनके कितने सरदार थे कितने आदमी थे इसके बारे में भी। बस वो एक बादशाह थी और हुक्मरानी करती थी और उसके पास कसीर तादाद में दुनिया की बहुत सी चीजें मौजूद थी और उसका अर्श बहुत अजीम था। वजह तो हा, अब वो उनकी जो मजहबी
सिचुएशन है, मजहबी उनके रवैये हैं, वो बताने लगे खुद खुद। वजह तू मैं पाया मैंने हा उसे कौम, हा उसकी कौम को, यस्जुदू ना सजदा करते, लिश्शम्सी सुजू मिन दूनि इल्ला, मुजयन और मुजयन कर दिए लहू के लिए शैतान, शैतान ने आमा लहू उनके अमान, फसद दहू फिर उसने रोक दिया उन्हें अनिस सबीली सीधे रास्ते से, फहुम ला यहतदून वो हिदायत नहीं पाते। अब खुद जो है अपनी तरफ से कैसी खूबसूरत बातें करने लगा है, कहने लगा हर किस्म की नियमत के बावजूद वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन नियमतों के अता करने वाले की इबादत नहीं करते, उसको सजदा नहीं करते, बल्कि मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं, शैतान ने उनके अमलों को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है, उनकी निगाह में सूरज को सजदा करना बुरा ही नहीं। और सबसे क्रिटिकल और सबसे अफसोसनाक बात यह होती है कि आप अपने आप को हक पर समझ रहे हैं, अब गलत रास्ते पर चलने वाला कोई भी शख्स यकीन कर ले कि मैं सही जा रहा हूं, और गलती बताने वाला गलत है तो वो गलती बताने वाले के साथ दुश्मनी पर उतर आता है, वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं चलता, वो समझता है मैं सही हूँ। तो खुद खुद ने भी ये कहा कि वो अपने आप को सही रास्ते पे समझते हैं और उनका ये रास्ता उनको सीधे रास्ते से रोक रहा है, ये कहकर खुद खुद ने सुलेमान अलैहि सलाम को इस कौम के साथ जिहाद करने की तरफ तवज्जा दिलाई और मजीद कहने लगा अल्लाह ये कि नहीं यस्जुदू वो सजदा करते लिल्लाह अल्लाह के लिए, वो अल्लाह जिसने युफरिजु निकालता जो अलकब छुपी चीज को, फिस समावात या आसमान में वाला जमीन में, यालमु मा तुफून मा तुलिनून, और वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो जो तुम जाहिर करते हो। अब हुद हुद क्या कहता है, यानी ये लोग उस अल्लाह को क्यों सजदा नहीं करते जो आसमान और जमीन में छुपी हुई चीजें निकालता है। और फिर ये भी कहा कि ये बल्कि खुद खुद ने तीन अल्लाह ताला के तौहीद के सबूत में तरीन दलीलें पेश की, पहली चीज कि वो मबूद बरहक है, इसके सिवा किसी को सजदा जायज ही नहीं, और वही है जो आसमान और जमीन की मख्फी और पोशीदा चीजें निकालता है, सितारे सियारे बारिश हवा बिजली सब कुछ अल्लाह ताला की, और जमीन की पोशीदा चीजें नबातात पौधे दरख्त दरिया चश्मे तेल गैस बेशुमार मदनियात आ जाती है। और बाज़ अहले इल्म ने यह भी कहा है कि हुदहुद की खुराक आमतौर पर वो कीड़े होते हैं जो दरख्तों की छाल या जमीन के नीचे छुपे होते हैं, तो इस मामूली से परिंदे ने अल्लाह की तौहीद की दलील अपनी समझ और तजर्बे के मुताबिक दी कि इबादत और सजदे के लायक तो वो अल्लाह है जो हर महलूक को उसकी छुपी हुई रोजी तक रसाई देता है। अल्लाह, यानी परिंदा अल्लाह ताला के बारे में कितनी खूबसूरत बात कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो छुपी हुई जमीन के अंदर जो छुपे होते हैं ना कीड़े उनको खाता है, दरख्तों की छालों को जो जमीन के नीचे होती। तो फिर इसी तरह उसने कहा कि वो अल्लाह ऐसा है जिससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं, सब कुछ जो भी है जमीन में जो भी है आसमान में वो जानता है। शाह अब्दुल कादर रहिमहुल्ला लिखते हैं कि खुद खुद की रोजी है रेल से कीड़े निकाल निकाल कर खाना, ना दाना खाए ना मेवा, तो इस अल्लाह की इसी कुदरत से काम है, और फिर इसने उसी को वाजे किया। फिर फरमाया अल्लाह सुबहाना ताला ने कि खुद खुद क्या कहता है, अल्लाहु ला इलाह इल्ला हु, नहीं है कोई इलाह मगर वही रब्बुल आर्शी अजीम, वो अर्श अजीम का रब है। ये उसने तौहीद की तीसरी दलील दी, पहली दलील दी कि अल्लाह ताला ही सजदे के लायक है,
जो कि छुपी हुई चीजों को निकालता है, और फिर दूसरी दलील दी वो सब कुछ जानता है, तीसरी दलील दी वो अर्शे अजीम का रब है, अर्शे इलाही कायनात की सबसे बड़ी चीज, उस सबसे बदतर चीज, और दूसरा ये सिर्फ तलाक की इसलिए भी उसने बयान की क्योंकि पीछे मलकाए सबा के अर्श की भी बात हुई ना, उसके तख्त की भी बात हुई, तो फरमाया कि उसका तख्त अल्लाह के तख्त के मुकाबले में बहुत छोटा है, अल्लाह का तख्त तो बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। यहाँ फिर खुदहुद का कलाम खत्म हुआ, और बाज़ मुफस्सिरीन ने इन दोनों आयात को अल्लाह यस्जुदु से अर्शिल अजीम तक खुदहुद के कलाम की बजाय अल्लाह ताला का भी कलाम करार दिया कि अल्लाह सुबहान ताला ने ये आयात खुद बयान की। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, और खुद खुद का कलाम हो तो ये भी मुमकिन है, दोनों तरह की तफासिल की जा सकती है। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह नुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जानवर को कत्ल करने से मना किया, चींटी, शहद की मक्खी, खुद खुद और लटोरा। ठीक है, सूरज जिसे कहते हैं, खुद खुद की ये शान कि उसने अल्लाह ताला के बारे में इतनी प्यारी बातें कही, तो उसको फिर आप कत्ल नहीं कर सकते। कौला उसने कहा, सनन जरूर अनकरीब हम देखेंगे, किसने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम, असदकता क्या सच कहा तूने, अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, या तुम झूठों में से हो। अब उनको ये तो लगा कि हो सकता है कि हुदहुद ने सजा से बचने के लिए ये उजर बयान किया, इसलिए गलत बयानी का भी अम्कान हो सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजा से तो दरगुजर फरमाया, और हाकिम कैसा होना चाहिए, बात सुनकर अपनी बात जिद पर नहीं अड़े रहे, बात को समझे और उसकी तहकीक करे, देखे कि वो सच है या झूठ। ठीक है, तो कहा कि हम देखते हैं कि भला तू सच्चों में से है या झूठों में से। इधर ले जा भी किताबी खत मेरा, हाजा ये, फालके फिर डाल दो इसे, इलेहिम तरफ उनके, सुम्मा फिर तवल्ला हट जाओ, आन उनसे, फंजुर फिर देखो माजा यरजीउन, क्या कुछ वो जवाब देते हैं। ऐसा ही हुआ, फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खत लिख के देता हूँ, वो खत लेके जाओ और उनको देना, और देखना फिर वो खत को पढ़कर क्या जवाब दे। और ऐसे फिर खुद खुद क्या कौलत बोली मलका, हुदूद ऐसे किया, क्या किया, खत लिया जाकर उस तरफ फेंक दिया, फिर उनसे लौट कर देखा कि वो क्या जवाब देते हैं, यानी एक तरफ रहकर उनकी बातें सुनता रहा और उस पर सोच विचार करता रहा। फिर सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा था ना कि ये कर, मुझे आकर बताना इसके बारे में, तो ऐसा ही हुआ। ठीक है, औलत बोली मलका, या अय्युहल मलाउ, ए सरदारो, इन्नी उल्किया, बेशक डाला गया इलैया मेरी तरफ, किताबुन एक खत, करीम मुअज्जज, इन्नहु बेशक वो, मिन सुलेमान, सुलेमान की तरफ से है, वो इन्नहु और बेशक वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी उसके ऊपर हाईलाइट था ना, लिखा हुआ था। अब उसने अपनी सल्तनत के सरदारों और मशीनों को जमा किया, उसे मुखातिब किया कि मेरी तरफ एक बहुत इज्जत वाला खत फेंका गया। मलका ने इस खत को बहुत इज्जत वाला इसलिए कहा, एक तो वो अजीबो गरीब और गैर मामूली तरीके से आया था, हुदहुद के जरिए, किसी सफारती वफ्द के जरिए नहीं आया था, दूसरा वो सुलेमान जैसे बादशाह की तरफ से था जो शाम और फलस्तीन और इर्द गिर्द के इलाकों के फरमा रवा थे, तीसरा उसकी इब्तदा बुतों या देवताओं के नाम की बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हुई थी, फिर वो इतना मुख्तसिर और जामे था कि लिखने वाले की बात पूरी समझ भी आ रही थी लेकिन चंद अल्फाज थे, वारोब थे, लहजे में साफ साफ हुक्म था, कहा सरकशी छोड़ दो, इताद करो, ताबे फरमान, मुसलमान बनकर सामने हाजिर हो जाओ। सिंपली ये खत था सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितनी बात है, कहा अल्लाह ये के ना, तालू तुम सरकशी करो, अलैया मुझ पर, व
तू नहीं, और आ जा मेरे पास, मुस्लिम फरमा बरदारों को दो बातें, सरकशी ना करो, मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। इस खत से खास लिखने की आदाब भी पता चलते हैं कि खत में शुरू में अपना तारुफ करवाना चाहिए और उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने पहले तारुफ बताया फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सारी बात है कि बिस्मिल्लाह के बारे में वो इतना खाउ नहीं था उनको, तो पहले उन्होंने कह दिया कि सुलेमान की तरफ से, लेकिन स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। हद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हद का स्टार्ट करते थे, फिर उसके बाद अपना तारुफ करवाते थे। तो इंशाल्लाह मजीद इसके बारे में थोड़ा कल भी पढ़ेंगे और आगे भी डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाक्य है, अल्लाह हमें समझ बूझ अता करे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहु व बिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.